नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल राइजन वर्ल्ड के अंदर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने फ़ोनपे अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम करें वैसे आप पूरा वीडियो देखते रहिए, ज़रा सा भी स्किप मत करिए, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो सबसे पहले हमें आ जाना है अपने फ़ोनपे एप्लीकेशन के अंदर। फ़ोनपे एप्लीकेशन को जैसे ही आप ओपन करते हैं आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देखने के बाद हमें सबसे नीचे यूज अ डिफरेंट नंबर पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमें अपना नंबर इसमें एंटर कर देना है, जिस भी नंबर से आपका फ़ोनपे अकाउंट है। इतना करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा। अगर उसे OTP के लिए अदर लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ से नीचे आपको लॉगिन विद OTP देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आप लॉगिन विद OTP कर सकते हैं, आपके पास OTP आ जाएगा। जैसे ही OTP आता है और ये हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, इसके बाद हमें अपना UPI अकाउंट कैसे एक्टिवेट करना है तो उसके लिए हमें जाना है सबसे ऊपर प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पर अपने अकाउंट पर स्टेट बैंक जो भी लिखा है या फिर आपका जो भी बैंक अकाउंट हो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लिख के आ रहा है चेक बैलेंस। जैसे ही आप चेक बैलेंस के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये आपसे बोलेगा वैलिडेट मोबाइल नंबर, इससे आपका जो भी UPI है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो आपको सिंपल कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका अपने आप सिम से एक SMS जाएगा और ये वेरीफाई कर देगा। उसके बाद जैसे ही आपको अपने स्क्रीन पर UPI का ऑप्शन दिखे, समझ लेना कि आपका UPI अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आप अपने फ़ोनपे अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें।